हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर शो रिचा एंड सौरव वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोग नो रेडी हो चुके हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा ऑफिस का ट्रिप चल रहा था और रिचा मैडम तो आपको पता ही है कि यहाँ पर धमक पड़े सरप्राइज देने के लिए। तुम्हारा बेड जो है वो खाली खाली लग रहा है, एक बंदा और होना चाहिए साथ में। तो ऑलरेडी ये तीसरा दिन है, ये फ्राइडे रात को पहुंची थी, कल हम पूरा दिन घूम चुके हैं और आज हम प्लान कर रहे हैं कि एक अलग सिटी जाया जाए। टेक्निकली ढाई दिन हुए। ढाई दिन, ओ बाबा जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी टेक्निकली आल्सो। अच्छा, आज हम जा रहे हैं विंचेस्टर सिटी, वहाँ पे कैथेड्रल जो है बहुत ज्यादा मतलब की कहते हैं कि अच्छी है देखने वाली। हाँ। और साथ में सिटी भी घूमेंगे और भी बड़ी सारी चीजें प्लान है जो पूरे डे में वो हम करने वाले हैं। प्लान किया हुआ है और हाँ। क्या बात है ना कि यहाँ से सिर्फ 30-40 मिनट ही दूर था, तो हमने बोला कि चले घूम ही आते हैं। और आज मुझे सौरभ अपना ऑफिस भी दिखाने वाला है क्योंकि कल मैं मॉर्निंग में फिर से निकल रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो इसमें बोला मैं शुक्र है कल वापस जाएगी, मैं आराम से अपना शांति से काम कर पाऊंगा। एक तो मुझे कैथेड्रल देखनी है और एक मुझे इसका ऑफिस देखना है। आई एम नॉट श्योर कि अंदर जा पाएंगे, लेकिन बाहर से जो भी रहेगा कि कैसा है, कहाँ पे ये काम कर रहा है, देखने के बाद बोलोगे ये तुम्हारा ऑफिस ऐसा ऑफिस होता है। चलो जैसा भी होगा आई विल ट्राई टू सी कि कैसा है, क्योंकि ये काफी टाइम से पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे काम कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा था कि चलो लेट्स सी कि कैसा है। तो अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर मुंबई से निकल जाएंगे घूमने। मुंबई से? अच्छा वही से, मैं मुंबई से कहाँ से निकल जाना है। एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, थोड़ा लाइट रखूंगी और इसके बाद फिर मैं और सौरभ निकलेंगे बाहर घूमने। सौरभ भी आ चुका है अभी। कब से वेट कर रही थी, आज तो न्यू टी शर्ट जो कल ली थी नई वाली फाइनली। क्या खा रहे हो तुम भी? मिल्क ओट्स। चलो फिर खा लो गालो, मैंने भी मिल्क ओट्स ही लिया है। दिस इज रिचा OOTD आउटफिट ऑफ द डे, मैं आज तक नहीं सही से इसको प्रोनाउंस कर पाया हूँ। You're looking hot, babe. Oh my God, thank you. मैंने बहुत झूठ बोलता हूँ मैं भी। ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी की ढंग से तारीफ भी नहीं कर सकता। हमेशा इससे तारीफ लेने के लिए बार बार पूछना पड़ता है अच्छी लग रही हूँ। ये मुझे पता है ये ट्रैप है, इसको आंसर कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम बोलोगे बहुत अच्छी लग रही, बोलोगी अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, बोलोगे नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक ट्रैप है, इस क्वेश्चन से बच के रहिएगा। तो ये रहा सौरभ का जो है ऑफिस, जो वहाँ पे वो काम करने आ रहा है अभी फिलहाल, ये टाइप लग रहा है इससे ज्यादा तुम्हारा लंदन ऑफिस है। लंदन ऑफिस बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बट तुम जाते ही नहीं हो ज्यादा उसमें, तुम्हारा तो बस क्लाइंट पे ही काम रहता है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं विंचेस्टर सिटी घूमने। क्लाइंट ऑफिस वैसे तुम्हारा इतना बढ़िया नहीं है ये वाला, बट एक्चुअली जैसा तुम बता रहे हो ना कि ये उनका एक छोटा ऑफिस है जो IT ऑफिस है। हाँ, और इनका सेल्स ऑफिस नहीं है, वो तो बहुत ही बढ़िया लंदन में। ओके, और अभी तो फिलहाल ऐसा ना कि संडे भी है तो ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे, वो बिल्कुल ही शांति सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं और ही आ गए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क की है फाइनली, कोई तो जगह ढूंढी इसने और फॉर्चुनेटली ये फ्री थी पार्किंग, कोई पैसा नहीं लगा, पैसे हट गए। अभी हम जा रहे हैं कैथेड्रल विंचेस्टर की, यही है मुझे लग रहा है, ये बैक पे आ गए हम। 4 मिनट वॉकिंग, चलो फिर चलो। ऐसे बड़े बड़े घर, हाँ वो गांव की याद आ रही है ना, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसे हॉस्पिटल है, घर ऐसे बड़े, बता रही हूँ कि हमारे इंडिया में बड़े बड़े घर होते हैं ना जब, हाँ। कोठियां टाइप होते हैं तो बिल्कुल शांत वातावरण, पंछी बस सुनाई दे रहे हैं। शोर से रिचा का ये वीडियो बनाने का। कैथेड्रल तो पहुंच गए विंचेस्टर की और काफी बढ़िया वाली जगह लग रही है, यहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं और पीछे है, अभी सौरभ गया है एक्चुअली बैग लेने के लिए, वो हम भूल गए गाड़ी के अंदर ही, वो आता है तो फिर मैं निकलती हूँ। लड़के को देखो, नए शेड्स, नए टी शर्ट। चलो चर्च चलते हैं। चलो, तो अभी ना ये चर्च जो है यहाँ पे जाना ना, इसी पे यही विंचेस्टर का। चलो एंट्री देख लो कहाँ पे, इजिप्ट की याद आ गई मुझे, याद है इजिप्ट में पूरी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, कायरो। आई लव इजिप्ट, अच्छा था यार, मतलब बढ़िया था, मजा आया। पिरामिड्स के पास रहे थे हम लोग होटल में, याद है आपको सारी गीजा, बहुत मजा आया वहाँ पे, कितनी सारी मेमोरीज है हमारी, कितनी सारी कंट्रीज में। अब वापस, तब हम वीडियोस नहीं बनाते थे, काश हमारे पास वीडियोस होती हमारी, है ना, पिक्चर्स है हमारे पास डेफिनेट। तो हम लोग आ गए सिटी सेंटर में, बहुत ही अच्छी वाइब्स है, मतलब यूनिवर्सिटी है यहाँ पर और इसको तो लग गया कि यहाँ पर सेल लगी हुई है, तो बस शॉपिंग में घुसने वाली है उसकी। कैप रह गई है, मैं कैप खरीदने वाली हूँ। चलो कैप भी खरीद लो जी, खरीद लो, बड़ी हाई स्ट्रीट है। हाँ, काफी अच्छी है, देख के आते हैं ग्राउंड में। इतनी अच्छी जगह पे आके तुम्हें बासी आ रही है? अरे यार, सुबह का रात को काम करना पड़ा था ना। हाँ, ये ऑफिस का काम भी कर रहा है छुट्टी के साथ साथ, मैं आ गई हूँ तो अब इसकी रेस्ट नहीं हो रही क्योंकि मुझे लेके आ रहा घुमाने के लिए बार बार, घूमो रात को काम करो बट अच्छी है, उधर काफी भीड़ है ना, भीड़ शॉपिंग।
स्ट्रीट शॉपिंग कितने टाइम और की नहीं हमने, है ना। और ये ग्रोसरी स्टोर्स में क्या करते हैं आज ना, यहाँ मार्केट लगी हुई है रिवर साइड पे। कब से ढूंढ रहे, रिवर नहीं मिल रही, रिवर नहीं मिल। कितनी प्यारी रिवर है यार, कितना अच्छा पानी है। मैं तो सच्ची में सोच रही हूँ, और जो ज्यादा मतलब वो भी नहीं, गहरा भी नहीं है। एल्गी लगी है पूरी नीचे। एल्गी है? हाँ। मुझे लगा ग्रीन पानी है। पानी की ऐसे प्यारी प्यारी जो है ना आवाज, कितनी अच्छी लगती है। एकदम जैसे अपना ना इंडिया याद आता है, मतलब हमारे जो पंजाब के गाँव में वो जो पंप लगे होते हैं नहाने वाले, एंड जो छोटे छोटे कनाल्स है उस पर, लेकिन इतनी सफाई नहीं होती है, वो अलग बात है। बट मतलब ऐसी ना नेचर वाली सराउंडिंग्स है ना, उसमें भी बंदे को आना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए थोड़ा, सिटी लाइफ से दूर। नीचे बैठते हैं? हाँ, पेड़ के नीचे। अरे हाँ, ये पेड़ों के नीचे हम बैठते होते थे। बड़ी मैं पुरानी यादें, आई रिमेम्बर, जब हम लोग किसी पिकनिक जाते थे ना, हाँ हम लोग कभी पठानकोट में, कभी गुरदासपुर में, वहाँ पे छोटे छोटे ना रिवर कनाल्स बने हुए, लोग वहाँ जाते थे, पानी डालते थे अंदर और फिर बैठे रहते थे घंटों। For our favorite summer drink, mango and coconut. So आ गया। इसमें बोलता नहीं कि हम वो वाली देख रही है, बोलता नहीं मैं कैफे नीर में जाके पी लूँ। You can see need in your eyes. तुम रात को नींद सोए? Sorry, मुझे आना नहीं चाहिए था ना, तुम्हारा काम सारा वो हो गया खराब। एक काम करते हैं, थोड़ी देर में फिर घर चलते हैं, ताकि तुम थोड़ा रेस्ट भी कर सको, क्योंकि इसको फिर इसको शाम को मीटिंग के लिए निकलना है। इवन दो संडे विंचेस्टर सिटी अच्छी थी, अभी थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लिया हमें, क्योंकि ये ट्रैवलिंग पे है तो बेसिक सामान इसके लिए चाहिए था। थोड़ी टी शर्ट खरीद लिए, गर्मी बहुत है, ये सारे शर्ट्स लेके आया गया था, तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। तो फिर हमने ना यहाँ पे सिटी सेंटर में एक मॉल था, ठीक है, मैक्स में थोड़ा शॉपिंग किया इसके लिए। बैक टू कार, ये खुल गया, बैक टू कार, ये क्या बोला मैंने, बैक टू कार, बैक टू कार पार्किंग। शक्ल दिखाओ, नींद आ रही है। एक काम करो प्लीज, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि फिर शाम को फिर तुमने डिनर का प्लान बनाया है। अब तुम अपने ऑफिस वालों के साथ डिनर करो, मेरे साथ कर। इसी ऑन किया, चलो रूम क्लियर हो गया। शक्ल रूम की रूम जैसी लग रही है। मुझे ना चाय पीनी थी, वो दूध दे के गई है ना, हाँ मिल्क दे के गई है। सौरभ के बेचारे पे खुशी आ गई, एसी मिल गया ना उसको, तो आते ही सो गया। अच्छा मेरे को चाय पीनी है, मैं चला लेती हूँ लैंप। तो मैं सोना, सच्ची सोना है, खट खाना नहीं है, चाय नहीं पीनी। जैसे मैंने बोला मैं चाय पीने लगी हूँ, उठ के बैठ गया, कह रहा मुझे भी पीनी चाय। पहले तुम मुझे पता सोए क्यों थे कि मुझे ना बनानी पड़े चाय, है ना, और जैसे पता चला तो मैं बना रही हूँ। ये देखो भाई, ये शॉपिंग करके आया, अभी पहन पहन के देख रहा चीजें, बढ़िया लग रही। ये जैकेट ली है इसने, जैकेट मतलब पतली वाली ली है, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम्हारे ऊपर, जब तुमने ट्राई किया था ना चेंजिंग रूम में। हाँ, और ये मैंने लिया अपने लिए, और एक मैंने और ली है, एक मैंने छोटी सी टी शर्ट ली है बस। जैसे ही थोड़ी सी नैप के बाद मैं उठी हूँ, और ये देखिए ये कर रहा है ऑफिस का काम। ऐ रेस्ट करनी है कि नहीं? मैं जा रही हूँ पूल में, तो मैंने सोचा है जब तक ये कर रहा है ऑफिस का काम, आई गो टू स्विमिंग एरिया, देन उसके बाद हम करेंगे स्टीम, फिर उसके बाद हम करेंगे जकूजी, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके आएंगे, और फिर हम जाएंगे अच्छा सा डिनर करने। लो जी, डिनर के लिए रेडी हो गए हैं। मैडम जी ने आधा घंटा लगा के तैयार किया। चल यार, भूख के मारे ना, मतलब क्या बोले, चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं इंडियन फूड खाने के लिए। ओहो, एक्साइटेड, देख एक्साइटेड। पिछले दो तीन दिन से वो खा के प्राइस हो गई है। इसको प्लीज कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढो, हम वहाँ पे डिनर नाइट करके आएंगे। आज मैं और सौरभ की प्यार काफी अच्छी लग रही है। चले आज कॉन्शियस लग रही है, कॉन्शियस, बस चलो बाहर चलो बस तुम। अच्छा, मेरा मोबाइल किधर है? मेरे हाथ में। तो रेस्टोरेंट नेम इज जहांगीर, फाइनली लेके आया है, मुझे भूख लग रही बड़ी तगड़ी वाली। चलो जी, हमारे स्टार्टर्स आ चुके हैं, पनीर टिक्का। डूबो के चक्कर में मेरा मन कर रहा खाने का, नहीं पहले मेरे को फोटो लेनी है, फिर मेरे को वीडियो बनानी है। तुम बंदा फोड़ी जाओ, ठंडा हो जाता है, गर्मा गर्म जो पनीर टिक्का मिल रहा हो, तो कुछ कहीं बाहर सिटी में क्या चाहिए और। सॉरी बाबा, गलती हो गई। जब तू पहले पहले फोटो लेनी है खाने की, वीडियो शूट करनी है, हाँ, तो इससे खाना नहीं गर्म ठंडा होगा, खाना खाने में ना अच्छा लगेगा।
बहुत सोच के इन्होंने बिहेव नहीं चीज आई जस्ट सबको रखना चाहिए जो भी रेस्टोरेंट चाहते हैं ना कि उनकी कोई इंस्टाग्राम फोटो टैग करे ये सब करे तो आपको ये चीजें पक्का रखनी चाहिए नहीं भाई सब रख सकते हैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं मंगा लिया सर सब भी ज्यादा मंगा लिए बट दैट्स फाइन खाने की कोशिश करेंगे जितना खा सकते हैं एंड कैसा लगा फूड सर एक्चुअली इंडियन काफी टाइम बाद काफी टाइम नहीं दो तीन दिन बाद खा रहे थे वो शायद राइट कुल्फी मैंगो से इसका फेवरेट है कितना चल रहा है पेट्रोल पेट्रोल चल रहा है 187 का बहुत ही महंगा हो गया यार फिर महंगा हो गया बहुत महंगा और लंदन में भी सेम प्राइस ही है एक दो पैसे का फर्क है चलो बढ़िया है अभी हम जा रहे हैं वापस होटल पूजा पेट नहीं पेट पूजा हो गई है अभी जाएंगे कि ग्रीन टी मारेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है अभी खाने के बाद खास करके मैंगो कुल्फी के बाद तो बिल्कुल जरूरी है तो रात के 10 बजे हैं अब जाके ना मतलब चंदा मामा दिख रहे हैं रात हुई है और हम अपना डिनर खा के आ चुके हैं कितना लाइफफुल कंट्री है हाँ कितनी लाइफफुल कंट्री है गर्मियों में सही बात है तो रिक्चा एनी ड्रिंक्स नाउ अभी मुझे ग्रीन टी चाहिए तो ग्रीन टी भी तो ड्रिंक ही है देखो चंदा मामा हाँ दिखा दिया दिखा एक जान वो है एक जान तुम हो ओ बहुत अच्छी शायरी है पर अभी अंदर चलिए अब ये सारा मैं सम करने लगे क्लियर क्योंकि कल मैं निकल रही हूँ सुबह मॉर्निंग में मेरी है ट्रेन बैक टू लंदन ऑफिस और सौरभ जा रहा है दूसरे होटल में फॉर अनदर टू डे अनदर ऑफिस अनदर मीटिंग तो आप लोगों को मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही जब सौरभ लंदन में वापस आ जाएगा मैं लगा सोने तो सफाई कर ली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम रीच एट सौरभ